नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज हम लोग आए हैं कीर्ति मंदिर, जो कि वडोदरा का बहुत फेमस प्लेस है, और यहाँ पे लगी है रंगोली एग्जीबिशन। ये यहाँ पे दिवाली के ड्यूरिंग दिवाली टाइम 5 to 7 days के लिए लगता है, और इस बार 9 to 19 है। और यहाँ पे ये जो रंगोली है, ये इतना मतलब इतना एकदम परफेक्शन से बनाते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि रंगोली है, एकदम पेंटिंग लगता है, एकदम यूनिक होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक विजिटिंग प्लेस है। तो लेट्स सी, जाते हैं अंदर और देखते हैं इस बार की रंगोली कैसी है। हर साल आते हैं हम देखने के लिए, तो इस बार कुछ डिफरेंट, लेट्स सी क्या है। और आपको भी दिखाते हैं आज की रंगोली, देखिए आप भी हमारे साथ इसका मजा उठाइए। और देखते हैं अंदर कितना शूट करने देते हैं। यहाँ पर अंदर शूटिंग जगह जगह पर नोटिस बोर्ड लगाए हुए हैं कि शूटिंग करना मना है। लेट्स सी हम कितना शूट कर पाते हैं आप लोगों के लिए। चलिए दिखा दें आपको भी अगर पॉसिबल है। तो जी हम लोग आ गए हैं कीर्ति मंदिर, जहाँ पर रंगोली एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको भी। हर साल दिवाली के टाइम पर यहाँ पर रंगोली एग्जीबिशन होता है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, क्योंकि ये रंगोली बहुत ही डिफरेंट, बिल्कुल अलग ही टाइप की दिखती है। और यहाँ पर है एंट्री टिकट, जो कि पर पर्सन 30 rupees है। तो टिकट हमने ले ली है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है विजिटर्स के लिए। तो हम लोग भी लग जाते हैं लाइन में और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। देखिए हल्की हल्की ठंड वडोदरा में शुरू हो चुकी है, लोगों के स्वेटर शॉल जैकेट्स वगैरह बाहर निकल आए हैं। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा माहौल है, लोन है। और ये देखिए लाइटिंग से कीर्ति मंदिर की खूबसूरती और भी निखर के आ रही है। और ये है एंट्री गेट, यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर रंगोली देखने के लिए। हम कोशिश करते हैं हर साल कि यहाँ पर आए देखने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। ये है कीर्ति मंदिर का अंदर से व्यू। इस मंदिर को 1936 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बनवाया था, राज परिवार के सदस्यों की याद में। और ये देखिए हल्की हल्की हमने झलक सी ली है, क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफी करना मना है, मतलब नहीं करने देते। लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया था तो हमको बोला गया था कि फटाफट थोड़ा कुछ ले लीजिए और बंद कर दीजिए, नहीं तो बाकी सब भी लेने लगेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये रंगोली है, और अलग अलग थीम बेस्ड ये रंगोली बनाई है कलाकारों ने। और ये है स्टैचू महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी का, वडोदरा के प्यारे महाराजा। तो ये है रंगोली, बिल्कुल लगता है कि ये पेंटिंग ही है। तो आप भी वडोदरा अगर दिवाली में आते हैं तो ये एग्जीबिशन जरूर से आके देखिए, कला प्रेमियों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और रंगोली देखने के बाद बाहर का ये दृश्य है, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग आए हैं जो कि अपना फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पर रेगुलर डेज में फ़ोटोग्राफी नहीं करने देते, लेकिन आज हम लोग बाहर से भी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बाहर से ले सकते हैं। तो ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं सब लोग यहाँ पर यादें फोटो के द्वारा लेकर जाना चाहते हैं।
और ये एग्जीबिशन करीब 8 से 10 दिन तक चलता है, तो लोग काफ़ी यहाँ पर आते हैं और हम लोग भी यहाँ पर कुछ यादें लेकर जाना चाहते हैं। तो मैं और रोशनी भी फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे यहाँ पर, और ये देखिए पूरा डेकोरेशन। और यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल सा लगा हुआ है जहाँ पर आपको कुछ किताबें हैं या ये रंगोली है उसके फोटोग्राफ वगैरह आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये है वडोदरा की शान कीर्ति मंदिर, हमारे प्यारे महाराजा द्वारा निर्मित। और ये गार्डन एरिया है मंदिर के बाहर का, जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ पल बिता रहे हैं यहाँ पर। तो ये है आज की हमारी वीडियो। अब वक्त हो चुका है वापस जाने का, तो हम लोग जा रहे हैं वापस घर पर। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आपको हम फिर एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।